सामाजिक संगठनों के स्तर पर जो काम हो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसे और आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर जो यह समाज है अपनी बातों को लेखन में और अपनी बातों को पूरे विमर्श में लेकर आएगा, तभी जाकर एक महत्वपूर्ण चुनौती को हम लोग सामना कर पाएंगे। लेकिन हमें एक और बात समझना चाहिए कि जो लोग मंडल का विरोध कर रहे थे 1990 में वो कौन थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्या वो बौद्धिक नहीं थे, क्या संविधान के विषय में उनकी जानकारी नहीं थी, क्या इस समाज के इतिहास के विषय में उनकी जानकारी नहीं थी। अगर हम देखें तो ये तो तय है कि विरोध में SC खड़ा नहीं था, ST खड़ा नहीं था, OBC तो था ही नहीं, माइनॉरिटी भी नहीं था और सबसे बड़ी बात आधी आबादी भी नहीं थी। कहीं भी यह देखने में नहीं मिला कि ये लोग कहीं खड़े थे और एंटी मंडल के रूप में सामने खड़े थे, और जिस एंटी मंडल का विरोध कर रहे हैं उसका बौद्धिक इतिहास क्या था, काका कालेकर आयोग से लेकर मंडल कमीशन तक और उस बीच में राज्य स्तर पर जाने कितने समितियां और आयोग गठित हुए, उन्होंने काम किया, जैसे बिहार में मुंगेरी लाल के रिपोर्ट को कुछ खास तबके के लोगों ने कहा कि उसको एकदम जोक बना दिया, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस तरह से उसका उपहास किया गया। ये सारे अध्ययन के बावजूद, सारी जानकारी के बावजूद, सारी बौद्धिक चेतनाओं के बावजूद वह 1990 के दशक में आता है, और वह क्यों आता है, क्योंकि एक सरकार ने उसको अपने घोषणा पत्र में रखा था। और यह भी हमको मालूम है कि घोषणा पत्र में होने के बावजूद उसी ग्रुप से, उसी राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा के एक घटक दल ने उसका देश स्तर पर विरोध किया था, और उन्हें मालूम था कि ये होने वाला है, क्योंकि ये घोषणा पत्र में है जो आएगा ही, और उन्होंने सरकार को गिराने का भी काम किया। मुझे लगता है कि इस सच्चाई को भी जानना जरूरी है, और यह अगर हम जानेंगे तो पता चलेगा कि कैसे बिना किसी इतिहास के, बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी आयोग के संविधान जैसे पवित्र खतियान को या दस्तावेज को, जिससे पूरा समाज ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा यह देश चल रहा है, पूरा यह समाज चल रहा है, उसको तोड़ने का मतलब है कि अगर आप उन चीजों को लागू करते हैं जो आज तक यहाँ की बौद्धिक जनता, यही आरक्षण की बात जब 1990 में हो रही थी तो लोग कह रहे थे, उसको नीचे दृष्टि से देखा जाता है, उसको कहा जाता है यह भीख का है, यह संविधान को तोड़ने, यह समाज को तोड़ने का है, मेरिट पे चर्चा होती थी, कोई और नहीं कर रहा था, वही खास वर्ग जो पढ़ा लिखा था, वही मीडिया तंत्र जो कि पढ़ा लिखा था, अधिकतर बहुसंख्यक मीडिया ने यह बात कही। तो हमें लगता है कि पढ़ाई तो जरूरी है, अध्ययन तो जरूरी है, लेकिन मैं फिर उर्मिले सतुल बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि हमें जनता के पास जनमत में जाना होगा और वहां उनकी बातों को सुनना होगा और उसमें किसी तरह से अपनी भूमिका निभाना होगा कि वो कैसे उन बातों को जाने जो मीडिया उन तक नहीं पहुंचा पा रही है, जानबूझकर वो लोग नहीं पहुंचा रहे हैं और पहुंचा पा रहे हैं जो सदियों से अपने आप को बौद्धिक करते हैं, समझदार करते हैं, विमर्श के नायक और नेतृत्वकर्ता समझते हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं, और उन लोगों ने गैर बराबरी, शोषण और हिस्सेदारी के संकट को बरकरार रखने की कसम खाई है, और जैसा कि हम देखते हैं उसमें, और यह हम इसलिए कर पा रहे हैं कि जिस 50% का हवाला देकर कहा गया कि इससे आरक्षण को ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसके बावजूद कि आरक्षण की मांग जो थी 52% थी, वह तोड़ने में बहुत कम समय लगा, उसको बढ़ाने में बहुत कम समय लगा, और जिसको आप मेरिट के खिलाफ मानते थे उसको एकाएक समाज के लिए बहुत प्रोग्रेसिव सामग्री माना जाने लगा। इन बातों को कहते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लोग जो है, जो बहुसंख्यक है, उन्होंने ठीक बोला कि देश में अगर किसी के सामने सबसे बड़ा खतरा है तो वो बहुसंख्यक समाज है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, उसकी संख्या हर जगह है, खेत में है, खलिहान में है, देश के बॉर्डर पे है, सामाजिक न्याय के सारे संघर्षों में है, हर जगह है, और वह मजबूत तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। बस एक ही जगह जहाँ पर संकट उनको देखता है, जहाँ उन्हें 50% तक सीमित की गई थी, उसका अगर हम 70 सालों का इतिहास देखें तो पता चला कि वह 0 से 12% तक में सीमित रह गए। आखिर वो क्या कारण है कि जिस आरक्षण के आधार पे समाज को बढ़ाने की बात की गई थी, और हमें पूरे या विमर्श में मालूम है कि जो आरक्षित होते हैं उनको पहले सीट दी जाती है, आप रेलवे में देखें या कहीं भी आरक्षण की बात की जाती है, एरोप्लेन में देखें तो सीट आपको मालूम होता है कि ये सीट आपके लिए है। यह बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली बात थी कि जिनके लिए सीट आरक्षित थी 50% के आसपास,
वो 12% में सीमित है, कहीं कहीं 0% पे, अधिकतर जगह जहाँ पर लोग बौद्धिक बैठे हुए हैं, और जिनके लिए मात्र 50% थी वो एकाएक बढ़कर 95% 95% हो गई। ऐसे अगर बराबरी का निर्माण इन सारे उपलब्ध विमर्श में देखा गया है, तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि जिन चुनौतियों को आज हमें खारिज करना है, खंडित करना है, और जिसको जिसके आगे हमें बढ़ना है, उसमें जरूरी है कि हम समाज के बीच जाएं और काम करें। मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग भी बहुत काम कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे क्योंकि हमारे दायित्व जो नौकरी है उससे भी है, कुछ हद तक पॉलिटिक्स में भी अपने आप को एसोसिएट कर पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से हमारा संपर्क है, कम से कम उनको हम प्रभावित कर पाए, उनको सूचित कर पाए, उनको कम से कम इतना कहें कि अपने जीवन का कुछ समय जरूर हम दें, जिस गांव से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, उन जगहों पर जाकर हम जरूर लोगों को मोबिलाइज करें और कहें, सच्चाई बताने का कोशिश करें। और वो सच्चाई बताने में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी इतने भी जानकारी काफी है जो हम लोग यहाँ तक पकड़ पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा